के लिए काफी है कि अयोध्या सदियों से हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान था, आज है और हमेशा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम अब सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री के सिर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मंगलवार शाम पहले सीबीआई की टीम पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर पर पहुंची, तो बाद में ईडी के अफसरों ने भी चिदंबरम के घर की घंटी बजा दी। मंगलवार के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के लिए मुसीबत भरा साबित हुआ। पहले दिन में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया, तो शाम होते होते सीबीआई की टीम ने चिदंबरम के दिल्ली स्थित घर पर दस्तक दे दी। चिदंबरम तो घर पर नहीं मिले, लेकिन बताया जा रहा है कि टीम ने घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की, जिसके कुछ देर बाद सीबीआई की टीम उनके घर से वापस लौट आई। सीबीआई कुल 10 मिनट तक चिदंबरम के घर पर रही, लेकिन चिदंबरम की मुश्किल यही खत्म नहीं हुई। सीबीआई के लौटने के कुछ ही देर बाद चिदंबरम के दिल्ली के जोरबाग स्थित घर पर ईडी के अफसर पहुंच गए। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद से ही लटक रही है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें मुख्य षड्यंत्रकारी माना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए कहा, तथ्य इस तरफ इशारा करते हैं कि इस मामले में चिदंबरम ही किंग पिन है। हाईकोर्ट के इस फैसले में कांग्रेस में जहां सन्नाटा छा गया, तो चिदंबरम के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। हाईकोर्ट से लगे इस तगड़े झटके के बाद चिदंबरम और उनके वकील सुप्रीम